हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आज बात करेंगे टीसीएस के खेल को समझने का। टीसीएस का खेल समझना आपके लिए बेहद आसान रहता है, लेकिन आप करते क्या है, टीसीएस के खेल को नहीं समझते और पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं और इसी कारण से टाइम ज़्यादा लग जाता है। सबसे पहले देखो, आप ग्रुप बी का एग्जाम्पल लो। ग्रुप बी में बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, उस कौन से शिफ्ट में आपका पेपर होगा ये भी क्लियर नहीं है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ आपको। जैसे आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन कुछ भी सिंपल चीज़ पढ़ लिया, बेसिक चीज़ एक दो फैक्ट्स पढ़ लिया, उसके बाद पेपर देने गए। कौन से शिफ्ट में आपका पेपर होगा ग्रुप डी में, वो आपको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो फिर आरबीआई का जो इतने सारे फैक्ट्स हैं, 8 से 10 फैक्ट्स हैं करीब करीब, और एक दो फैक्ट्स पढ़ के आप जाते हैं तो आपके पेपर में शायद वो एक दो फैक्ट्स ना आए और दूसरे शिफ्ट में वो आ जाए जो आप जानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो फिर आप प्रोबेबिलिटी खेल रहे हो, मतलब लॉटरी जैसा सिस्टम हो गया ना कि ठीक है आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे बचना कैसे आपको, इससे बचना इस तरीके से है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब आरबीआई के बारे में पूरा फैक्ट्स पढ़ेंगे एक ही बार में और उसके बाद खेल खत्म, उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टैटिक को करंट अफेयर से रिलेट करने का। आज 2 नवंबर है, 2 नवंबर में महेंद्र सरकार का महान चिकित्सक, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके साथ बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे पहला उपलब्धि ये है कि इन्होंने शोध संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। इसके साथ साथ महान, कई महान लोगों के चिकित्सा इन्होंने किया। जैसे नाम आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का चिकित्सा इन्होंने किया, रामकृष्ण परमहंस की चिकित्सा की। हम फैक्ट्स जानेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने क्या लिखा, आनंदमठ नोवेल लिखा। आनंदमठ नोवेल के बाद वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा। आपसे पूछा जाता है कि वंदे मातरम प्रकाशित कब हुआ, वंदे मातरम प्रकाशित 1882 में हुआ, लेकिन अगली बार जब आप पेपर में जाते हैं तो दूसरी बार ये पूछ लेता है कि लिखा कब गया, तो लिखा गया 1870 में। इसलिए मैं कहता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक ही बार में चीज़ों को पढ़ें। 1870 में वंदे मातरम लिखा गया और 1882 मतलब 1882 में इसको प्रकाशित किया गया। अब इसके बाद हम जान लेते हैं, आपको रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान लेते हैं। ये गुरु क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है ये कब शुरू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पिछले वीडियो मैंने बता रखा है, फिर से रिवीजन करते हैं। 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन शुरू हुआ। कल का करंट अफेयर है कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। हमें आरबीआई के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है करंट में, लेकिन ये टीसीएस है। आपसे कई बार करंट का पूछता है, कई बार पूछता है कि पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था आरबीआई का। उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ। आपसे पूछता है कि कौन से अधिनियम से, कौन से एक्ट से इसका स्थापना हुआ, फिर आप वहाँ करते हैं मिस्टेक। आपको बताना है आंसर 1934 आरबीआई एक्ट 1934 में इसका स्थापना हुआ। इसके सेंट्रल जो मेंबर ऑफ बोर्ड हैं उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स की संख्या आपसे कई बार पूछी जाती है ऑप्शन देके, तो 21 मेंबर्स हैं। फिर पूछा जाता है कि इसके रीजनल ऑफिसेस कितने हैं, तो 19 रीजनल ऑफिसेस है आरबीआई की। करंट में गवर्नर सबको पता है शक्तिकांत दास, लेकिन टीसीएस है आपसे ये कहता है कि किसने नंबर के ये गवर्नर है, कौन से नंबर के, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। इसके बाद सबसे पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि कोई कमीशन होगा जिसने इसको शुरुआत करने के लिए सोचा होगा, तो आंसर है हिल्टन यंग कमीशन, जिसके आह्वान पर इसको सोचा गया था शुरुआत करने के लिए आरबीआई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिल्टन यंग कमीशन। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला गवर्नर आरबीआई का कौन, ऑक्सबोर्न स्मिथ, आगे सर भी लगता है, सर ऑक्सबोर्न स्मिथ। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम आता है सीडी देशमुख, पूरा नाम चिंतानाथ द्वारकानाथ देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। अभी भी नहीं रुकता टीसीएस। उसके बाद वो पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक जो गवर्नर के पोस्ट पर रहे उनका नाम बताइए, उनका नाम आता है सर बेनेगल रामा राव। आप समझ रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तब जाके आप चीजों को वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्लियर कर पाएंगे। और इसके बाद अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनडायरेक्ट वे में आप भी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली टीचिंग नहीं करते फिर भी शिक्षा सबसे उत्तम काम माना जाता है दुनिया में, तो आप ऐसे वीडियोज को उन लोगों को शेयर जरूर करें जो पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।